हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, दो तीन ऐसे फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूँगा जिससे आप स्वयं समझ जाओगे कि हमारे देश की जो स्थिति चल रही है, जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है और शायद आप सबको भी ये बात समझ में आ जाएगी। देखो कि 21 दिन का लॉकडाउन कम नहीं होता, बहुत होता है। 3 सप्ताह का सर्किल बनेगा ये। अब इन 3 सप्ताह में देखिए, अभी की स्थिति यह है कि आपको नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति है जो संक्रमित है और कौन सा व्यक्ति है जो साफ है, स्वच्छ है। ऐसे में आपको सेपरेट रहना बहुत अनिवार्य है, अकेले रहना, अपने घर में रहना, एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस से रहो अपने घर पे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग संक्रमित हैं, उनके लक्षण सामने नहीं आए हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनको कोरोना है, जूझ रहे हैं और आप सबके बीच में हैं, अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, तो इन 21 दिनों में इन सब के लक्षण सामने आ जाएंगे, ये सब बीमार पड़ेंगे, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जाएंगे, चेकअप होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब एक तरफ, एक साइड हो जाएंगे वे व्यक्ति जो संक्रमित नहीं हैं, अपने घर पे सुरक्षित हैं, किसी से नहीं मिले। दूसरे साइड वो हो जाएंगे जो संक्रमित थे, लक्षण सामने आ गए, हॉस्पिटल तक पहुंचे, टेस्ट हुआ, दवा करवा रहे हैं। तो अब ये दो पार्ट में बढ़ गया, आपका एक संक्रमण और एक विदाउट संक्रमण। 21 दिन का लॉकडाउन इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोग इसका पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है भेज दीजिए कि सब लोगों को ये बात समझ में आ जाए। आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति संक्रमित नहीं है, किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति संक्रमित नहीं है। तो अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो थोड़ा देर एकांतवास करिए, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये देश के लिए बहुत कठिन समय है और आपके लिए भी, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को एकदम अलग कर लो समाज से, खाओ पियो, घर पे रहो, बस संक्रमण ना लो किसी से, नहीं तो फिर आप भी उसी लाइन में, मेडिकल वाली लाइन में चले जाओगे। तो इसलिए इन 21 दिनों में ये फैसला हो जाएगा अच्छे से कि कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है। बाकी बची चीज़ें हैं कि जैसे जो लिफ्ट और सामानों पे जो संक्रमण था वो भी मर जाएगा सब कुछ, जब भाई ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, रेलवे, बस, इन सब का जो बाहर का संक्रमण था वो भी समाप्त हो जाएगा। गर्मी भी अच्छी खासी पड़ना शुरू हो गई है। और जो भी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात, अफवाहों से बचिए कि आपके बगल में किसी को हो गया या कोई डॉक्टर अगर किसी का इलाज कर रहा है, तो ये सब अफवाहों से बचिए। ये सारी अफवाहें क्या करेंगी, आपका ध्यान भटकाएंगी, आपको टेंशन देंगी। आप घर पे भी रहोगे तो सुकून से नहीं रह पाओगे। इसके लक्षण जान लीजिए कि गले के इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है इसका लक्षण, गले में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको बोलने में थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा, गले में खराश टाइप की जम जाएगी, सांस लेने में समस्या, ये इसकी सर्वप्रमुख प्रॉब्लम है कि आपको गले से सांस लेने में, थूक गटकने में, इन सब में प्रॉब्लम महसूस होना शुरू हो जाएगी। फिर फ्लू वाले लक्षण यानी हल्का बुखार, हल्की सर्दी, खांसी भी आएगी आपको, सांस रोकना, ये जरा आप लोग टेस्ट करिए अपने घर पे रह के कि आप कितनी देर तक सांस रोक लेते हो, मतलब ऐसे करके आपको रोक के चेक करना है कि अगर आप 30 सेकंड, 25 सेकंड से ज़्यादा अपनी सांस रोक ले रहे हो और आपको कोई तकलीफ नहीं होती है नाक छोड़ने के बाद, मतलब सांस खींचने के बाद कोई खांसी नहीं आती, मतलब आपका गला साफ है, आपकी नस में कोई इन्फेक्शन नहीं है गले की, आप स्वस्थ हैं और बढ़िया। अपने आप का टेस्ट घर पे दिन में एक दो बार करते रहें, ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति से जितना आप दूरी बनाए रखोगे, आपका परिवार भी उतना सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चे भी उतने सुरक्षित रहेंगे। थोड़ा सा समस्या क्या हो सकती है, घर से बाहर नहीं जाना, बस घर पे बोर हो जाओगे, अरे टीवी देखो, धारावाहिक देखो, फिल्में देखो, परिवार के साथ समय व्यतीत करो, किताबें पढ़ो, बहुत सारा काम है जो आप घर पे रह करके आराम से कर सकते हो। मैं भी देखिए कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, तो बस यही मेरी तरफ से आप सबको नसीहत है। आसपास थोड़ा पालतू जानवरों का ख्याल रखें, उनको थोड़ा बहुत भोजन दे दें अगर हो तो, नहीं तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। बस इस चीज को सबको शेयर कर दो कि ये चीज माने, अपने आप को अलग कर लें, ठीक है, तभी हम देश को बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, तो शेयर करोगे।